हम चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम एलिमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं वो आते हैं, देन हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, हाइपरबोलिक आते हैं, और हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आते हैं, राइट। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द फंक्शन ई रेज टू द पावर जी दैट इज इक्वल टू ई एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई एक्स साइन वाई। मीन ये हमारे पास ई रेज टू द पावर जी है, जिसको हम लिखते हैं ई रेज टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, और फर्दर हम लिखते हैं ई रेज टू द पावर एक्स इन टू ई रेज टू द पावर आयोटा वाई। इसको हम बाय ऑयलर फार्मूला प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लिखते हैं कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, राइट। और ये ई एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं। और हमारे पास अगर ये जो पार्ट है अगर ये जीरो हो जाए तो प्योर हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट रियल पार्ट बच जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ई रेज पावर एक्स प्लस वाई, यहाँ हमारे पास क्या है जीरो है, तो ये हमारे पास कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो, तो साइन जीरो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, और हमारे पास कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, इट मीन हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट एक्स बच जाएगा, राइट। एक्सपोनेंशियल का वही उसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। एनालिटिसिटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिटिसिटी चेक की है, जिसमें हमारे पास उसकी रिमांड्स इक्वेशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाई करता है फंक्शन, वो हमारे पास क्या होता है, एनालिटिक होता है, ठीक है। अगर इसको लिखना हो तो इसको इजीली आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, यहाँ ई रेज टू द पावर जी है, ठीक है। तो इसको फर्दर फिर हम क्या लिख लेते हैं, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, राइट। तो यहाँ जो है हमारे पास वही कंडीशन जो प्रीवियस वाली हैं उनको फिर हम सेटिस्फाई करते हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। और देन हमारे पास इसकी दूसरी कंडीशन होती है, ठीक है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल हमारे पास वाई दैट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन को क्या हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। वन, ठीक है, पहली इक्वेशन जो फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस की है, इफ वी एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर w दैट इज इक्वल टू ई रेज पावर z, ठीक है। इसको हम w को ई रेज टू द पावर z लिखते हैं। पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, इसकी पोलर फॉर्म वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, लेकिन यहाँ उसने दोबारा इसको एलैबोरेट किया है। तो इसको लिखते हैं w ई रेज टू द पावर z को अभी मैंने लिख के दिखाया, ई रेज टू द पावर x cos y plus iota e raised to the power x sin y, राइट। तो यहां हमारे पास इसको जो फर्दर हम लिखते हैं वो लिखते हैं r cos theta plus iota sin theta, ठीक है। अगर पोलर फॉर्म में इसको लिखना हो तो यहां हमारे पास जो r है वो एक्चुअली e raised to the power x को प्रेजेंट कर रहा है, और यहां जो है हमारे पास थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, y plus 2n pi है, ये उसका पीरियड है। पीरियड को हम नेक्स्ट स्लाइड में या अगली दो तीन स्लाइड्स में उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आर यहाँ से हमारे पास आर क्या होता है, एक्चुअली जी मॉड कॉस स्क्वायर वाई प्लस इसका भी हमारे पास जीरो इज टू द पावर टू एक्स साइन स्क्वायर वाई, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आर दैट इज इक्वल टू ये ई रेज टू द पावर टू एक्स कॉमन, तो ये इसका क्या आता है हमारे पास ओवरऑल, यहाँ
का स्क्वायर भी आता है, राइट। तो ये कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ, कॉस के प्लस साइन के, ये हमारे पास क्या बचा, वन। तो आर दैट इज इक्वल टू, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर, तो ई रेज टू द पावर एक्स बचेगा। ओके, नेक्स्ट जो है थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली हम जो थीटा फाइंड करते रहे हैं प्रीवियस में वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट था, ठीक है। और यहां हमारे पास 2n पाई, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आर्गुमेंट है, एक्चुअली हमने जो शुरू में इसको पढ़ा था वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट था, कैपिटल ए से हम लिखते थे उसको। तो यहां अगर थीटा फाइंड करना, टैन इनवर्स माइनस वाई ओवर एक्स, ठीक है, ये लिखते थे। तो यहाँ इसको अगर हम करें तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, टैन इनवर्स, और ये बन जाएगा साइन वाई ओवर कॉस वाई। ओके, साइन वाई ओवर कॉस वाई, ये हमारे पास क्या होता है, टैन वाई। तो ये टैन टैन से कैंसिल, इट मीन हमारे पास y बच गया। तो ये y है, ये उसका पीरियड है, y इज इक्वल टू एन पाई। तो पीरियड को हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। n यहाँ जीरो है तो ये वही बन जाएगा, n यहाँ अगर हम जीरो पुट करते हैं तो जो हमने पहले लेक्चर में जब हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट किया था तो ये वही बन जाएगा, ठीक है। ये उसकी एडवांस फॉर्म है, उसमें पीरियड क्या कर दिया गया, ऐड किया गया। हेयर आर इज द मॉडुलस एंड द थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो ई रेस टू द पावर जी दैट इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है, ये मैंने यहाँ फाइंड भी किया इसको, ठीक है, ये इसको प्रूव भी किया। आर्गुमेंट ऑफ दी वाई प्लस टू एन वाई, इसको भी हम जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडिस्टी। इसमें हम जैसे ये प्रीवियस में टू एन वाई ऐड किया हुआ है उसी को हम देखेंगे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज दैट प्रोडिस्टी ऑफ द ई रेज टू द पावर जी। अब इसमें देखें, यहाँ वो रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है वो कंपेरिजन भी करेगा। एनालॉगस टू रियल प्रोडिक फंक्शन वी से दैट अ फंक्शन और अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज अ प्रोडिक विद पीरियड टी इफ एफ ऑफ जी प्लस टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स जी। कहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है वो हमारे पास पीरियोडिक होता है, राइट। द रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक बट द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज बिकॉज इज डिफाइंड यूजिंग द रियल कोसाइन एंड साइन फंक्शन। वो कहता है कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो पीरियोडिक होता है बट इन रियल एनालिसिस में पीरियोडिक नहीं होता, ठीक है। तो पीरियड हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन है, उसमें अगर कोई भी एक टी जो है वो उसमें उसका जो पीरियड है या उसकी फुल रोटेशन है वो ऐड कर दी जाए तो हमारे पास वापस फंक्शन आ जाए। मीन आप एफ ऑफ जी कोई फंक्शन है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड कर दें कि हमें वही फंक्शन दोबारा मिल जाए, तो उसको पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने अब अंडरस्टैंड करना है। तो ये कैसे है, वो कहता है कि अगर आपके पास e रेज टू द पावर z है, अगर आप उसमें कोई एक नंबर ऐड करते हैं, सपोज करें कि z प्लस, मैं इसको कर देता हूं 2 बाय आई, राइट, आयोटा। तो आप इसमें ये नंबर ऐड किया, देखें ये दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा। कैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर z, और इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर 2 बाय आयोटा। इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर ऑर्डर फार्मूला से, e रेज टू द पावर z एज इट इज, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा sin 2 पाई। cos 2 पाई हमारे पास क्या होता है, 1, बट सॉरी यहां क्या आएगा, 1, और ये sin 2 पाई हमारे पास क्या होता है, 0। इट मीन हमारे पास e रेज टू द पावर z 1 प्लस 0, तो e रेज टू द पावर z, मीन हमने 2 पाया आयोटा, उसमें 2 पाए आयोटा उसमें ऐड किया तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ा। मीन हमारे पास पीरियड क्या होता है, आप कोई भी नंबर उसमें ऐड करें और वो नंबर उसकी पूरी पूरी रोटेशन को शो कर रहा होता है,
और वो दोबारा उसी फंक्शन पे आ जाता है। मीन यहाँ अगर हमारे पास ज़ीरो था कोई भी फंक्शन, ठीक है, अगर कॉस ज़ीरो था तो कॉस जब दोबारा यहाँ एक पूरी रोटेशन के बाद यहाँ आया तो वो भी हमारे पास कंप्लीट एक एंगल के बाद भी उसका आंसर क्या आया, कॉस अगर ज़ीरो है तो वन है, और देन जब वो वापस दोबारा यहाँ आया तो वो बन चुका था 360। तो कॉस में जब हमने 360 अप्लाई किया देन भी आंसर उसका क्या आया, वन आया, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, पीरियड होता है। प्लेक्स लॉगरिथम हमारे पास क्या होता है, द मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन लॉग जी, नेचुरल लॉग जी डिफाइंड बाय दिस। अगर हमारे पास एक जी जो फंक्शन है उसका लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, या वो क्या होता है, उसको नेचुरल लॉग वो जी का उसका मॉडुलस लेते हैं प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी उसमें ऐड करते हैं। ये आर्गुमेंट ऑफ जी एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, अभी जो हमने फाइंड किया है ये थीटा प्लस टू पाई आयोटा, ठीक है, या जैसे अभी हमने इसको किया है टू पाई एन होता है, ठीक है, तो वो एन नाम हमारे पास क्या होता है, वन टू थ्री अप टू सो ऑन, राइट। तो जस्ट इसमें और इसमें हमारे पास फर्क क्या था, जो हमने शुरू में इसको डिस्कस किया था वो कैपिटल ए से था आर्गुमेंट, राइट, और यहाँ हमारे पास क्या है स्मॉल में है, इसमें हम उसका पीरियड को ऐड कर देते हैं जस्ट। अगर आपने इस आर्गुमेंट ऑफ जी जो होता है ये हमारे पास ये कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जी प्लस इसमें क्या आ जाता है, ये पीरियड भी उसका ऐड होता है, राइट, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो ये थ्री एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, ई रेज टू द पावर ओमेगा दैट इज इक्वल टू आई है, और देन ई रेज टू द पावर ओमेगा वन प्लस आई है, और देन ई रेज टू द पावर ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस टू है। तो फॉर ईच इक्वेशन, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में इसको चेक भी किया, ई रेज टू द पावर ओमेगा को हम कंसीडर करेंगे, जी कंसीडर करेंगे, ओके, उस पर हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। सेट सॉल्यूशन इज गिवन बाय ओमेगा दैट इज इक्वल टू लॉग जी, वेयर लॉग ऑफ जी इज फाउंड यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ 4.2, जो अभी डेफिनेशन हमने डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ई रेज टू द पावर ओमेगा, उसको सबसे पहले जी लिखना है क्योंकि ये बाय डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जी दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ओमेगा। तो z दैट इज इक्वल टू आयोटा आ गया, जब इस पे हम अप्लाई करेंगे ये प्रीवियस डेफिनेशन, तो उसमें हमें मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस z चाहिए, मॉडुलस z हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ये हमने प्रीवियस भी चेक कर चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास जस्ट आयोटा है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इट मीन हमारे पास 1 आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास क्या होता है, सिंपल आर्गुमेंट ऑफ z अभी हमने फाइंड किया है, उसको आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, जैसे थीटा प्लस 2n पाई होता है, तो थीटा हमारे पास टैन इनवर्स y ओवर x, ठीक है, तो टैन इनवर्स हमारे पास क्या होता है, किसका y, y हमारे पास यहाँ कितना है 1 ओवर x कितना है 0, इट मीन 1 ओवर 0 क्या होगा हमारे पास इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने पे होता है पाई बाई टू पे, तो ये हमारे पास पाई बाई टू आ गया, प्लस इसमें पीरियड ऐड करना है 2n पाई, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल a वाला आर्गुमेंट ऑफ z है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 11 वी ऑब्टेन, अब जो प्रीवियस में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है उसमें जस्ट पुट कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा w दैट इज इक्वल टू log i, ठीक है, हमने log i एक्चुअली इसका ही लॉग फाइंड करना है, तो लॉग आई दैट इज इक्वल टू हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ ये सॉरी मॉडुलस ऑफ जी वो वन है, उसकी वैल्यू आ गई, प्लस आयोटा आ गया, ठीक है, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आता है आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी, ठीक है, जो के लॉग ऑफ जी दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है log of z mod plus iota argument of
जी ये प्रीवियस स्लाइड में हमने पी इसको डिस्कस किया, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ये लगा दी हमने लॉग वन, हमारे पास क्या होता है जीरो, जीरो आ गया, बाकी हमारे पास ये इक्वेशन बच गई, उसको वैसे लिख लिया, कहता कि जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू इसके लिए क्या होगा ओमेगा, हमारे पास जब हमने यहाँ जीरो पुट किया तो ये जस्ट पाई बाय टू आ गया, जब हमने प्लस वन पुट किया तो ये फाइव पाई बाय टू, ये फाइव पाई बाय टू, जब माइनस वन पुट किया तो हमारे पास ये माइनस थ्री पाई बाय टू, जब हमने माइनस फर्दर माइनस टू पुट किया तो हमारे पास माइनस सेवन पाई बाय टू, तो इस तरह चलती जाएंगी वैल्यू हमारे पास, इस तरह चलेगी, ये इसका सोल्यूशन है सिंपल जी। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका हमारे पास जी दैट इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा वी हैव, इसकी हमारे पास जी मॉडल्स हमारे पास टू अंडर रूट आ गया और आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास पाई बाय फोर प्लस टू एन पाई, पीरियड उसमें ऐड कर देंगे फ्रॉम इलेवन बाई डेफिनेशन, जो लॉगरिथम की डेफिनेशन है उसमें पुट कर दें, जी जी मॉडल्स की वैल्यू पुट कर दी, देन हमने आयोटा आ गया और हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी, आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास है पाई बाई फोर प्लस टू एन पाई, पाई बाई फोर प्लस टू एन पाई उसमें आ गया, ठीक है। और ये लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी बी की पावर ए हो तो ए हमारे पास क्या आ जाता है स्टार्ट में, तो ए लॉग ऑफ बी, तो इट मीन हमारे पास ये वन बाई टू है, ये लॉग की प्रॉपर्टी से फर्स्ट में आ गया, दिस कैन बी रिटन एज दिस, तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया वन बाई टू लॉग टू प्लस हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई एट आ गया, एट एन प्लस वन, ये पाई दोनों से जो हो गया वो कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय फोर, और ये हमारे पास एन कहाँ से है जीरो प्लस माइनस वन, और ये हमारा बिलोंग टू, डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं जी बिलोंग टू जी, एन बिलोंग टू जी, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, ईच वैल्यू ऑफ द ओमेगा इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। देन जो है हमारे पास सिंपल सी पार्ट है, सी पार्ट फ्रॉम दिस जी दैट इज इक्वल टू माइनस टू है क्वेश्चन, इसकी हमारे पास क्या आ गई मॉडल्स, मॉडल्स हमारे पास क्या आ गया टू, एंड आर्गूमेंट हमारे पास क्या आ गया ये फाइंड करना है, ये किससे फाइंड करते हैं टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स, जो हम जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर और ये सॉरी ये बुक का कोर्स, उस वक्त हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, तो शुरू वाले लेक्चर्स में ये सारा कुछ जो है वो इन डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देन हमने उसका जो है वो आर्गूमेंट फाइंड कर दिया, टू एन पाई ऐड कर दिया, देन ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग की डेफिनेशन से, उसकी मॉडुलस की वैल्यू, देन उसके आर्गूमेंट की वैल्यू, तो ये है इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने इसको डिटेल से इसकी डेफिनेशन कर ली, देन इसकी हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।